हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिमांशु शर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स इन मशीन लर्निंग। इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स इन मशीन लर्निंग। सो लेट अस स्टार्ट। वट आर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स? द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आर द कंप्यूटेशनल मॉडल्स इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन्स। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है? ये कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड हैं। दीज आर एक्चुअली द एल्गोरिथम दैट ट्राई टू मिमिक द ब्रेन। ये वो एल्गोरिथम है जो कि दिमाग के जैसे काम करने की कैपेबिलिटी को मिमिक करती हैं, यानी कि उनके जैसा व्यवहार करती हैं। मासिवली पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मेड अप ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत ज़्यादा पैरेलल होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, और सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट के बने होते हैं जिसको कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं एक्चुअल में हमारे ब्रेन में, उसमें होता है न्यूरॉन्स, और जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है कंप्यूटर में या मशीन लर्निंग में, उसमें होता है परसेप्ट्रॉन, उसके इक्विवेलेंट। सिनाप्टिक कनेक्शन स्ट्रेंथ अमंग न्यूरॉन्स आर यूज टू स्टोर द एक्वायर्ड नॉलेज। जो नॉलेज जो है स्टोर होती है, वो किस तरह से स्टोर होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में? जो स्ट्रेंथ है सिनाप्टिक कनेक्शन की, वो स्ट्रेंथ के लेवल पे जो है वेटेज लेवल पे डिसाइड होता है नॉलेज कितनी ऑब्टेन की गई है। नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय द नेटवर्क फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट थ्रू ए लर्निंग प्रोसेस। नेटवर्क से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लर्निंग प्रोसेस यूज़ की जाती है। सो व्हाट इज़ परसेप्ट्रॉन एंड व्हाट इज़ न्यूरल नेट? हेयर यू कैन सी देर आर टू डायग्राम। वन इज़ द बायोलॉजिकल ब्रेन डायग्राम एंड अनदर इज़ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क परसेप्ट्रॉन। दिस एरिया इज़ नोन एज न्यूरॉन एंड दिस एरिया इज़ नोन एज परसेप्ट्रॉन। सो दिस इज़ नेचुरल, बायोलॉजिकल एंड दिस इज़ आर्टिफिशियल। सो हेयर वी कैन सी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इट। डेंड्रीज, सिनाप्सिस, एक्सन, सोमा इज द सेंट्रल पार्ट। एक्सन इज द पार्ट विच इज़ कनेक्टिंग वन सिनाप्सी टू अनदर, वन सोमा टू अनदर सोमा। डेंड्रीज, एक्सन, अगेन सोमा एंड सिनाप्सी। हेयर इट इज़ इक्विवेलेंट टू इनपुट्स। सो व्हाट आर द इनपुट्स? इनपुट्स आर द सिनाप्सी। सिनाप्सीज आर इक्विवेलेंट टू इनपुट्स। देन देयर आर द वेट्स। वेट्स आर इक्विवेलेंट टू द लर्निंग नॉलेज। देन दे आर बींग कम्बाइंड एंड आफ्टर दैट देर इज़ ए हार्ड लिमिटर, थ्रेश होल्ड फंक्शन एंड देन आउटपुट। सो द नोट्स, द इनपुट नोट्स आर डिनोटेड बाय द सेंट्रल पार्ट दैट इज सोमा एंड द वेट्स इज डिनोटेड बाय द सिनाप्टिक वेट। सिनाप्टिक कनेक्शन स्ट्रेंथ अमंग न्यूरॉन्स आर यूज टू स्टोर द एक्वायर्ड नॉलेज। सो दीज आर द सिनाप्सिस, दीज आर द वेट्स ऑफ द सिनाप्सिस। एक्टिवेशन फंक्शन, व्हाट इज़ एक्टिवेशन फंक्शन? एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आई इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई। सो द एक्टिवेशन फंक्शन, द हार्ड लिमिटर इज हैविंग वन फंक्शन दैट इज नोन एज एक्टिवेशन फंक्शन एंड दैट कैन हैव मैनी मैथमेटिकल फंक्शंस, एनी मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक साइन, साइन थीटा, कोस थीटा और एनी स्टेप फंक्शन। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली दे आर द सुपरवाइज लर्निंग नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स किसकी कैटेगरी में आती हैं? सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम की कैटेगरी में आती हैं, और इसमें दो एल्गोरिथम यूज़ होती हैं, एक बैक प्रोपगेशन और दूसरी ग्रेडियंट डिसेंट। दिस इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल लाइक इनपुट सिग्नल, इनपुट लेयर, मिडल लेयर, आउटपुट लेयर एंड आउटपुट सिग्नल्स। सो व्हाट आर द कनेक्शन मॉडल? इन ह्यूमन द न्यूरॉन स्विचिंग टाइम इज अबाउट 0.01 मिली सेकेंड, 0.001 सेकेंड एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10^10। सो दिस इज अ ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन मॉडल। कनेक्शंस पर न्यूरॉन आर 10^4 और 10^5। सीन रिकॉग्निशन टाइम इज 0.1 सेकेंड्स। 100 इंफरेंस स्टेप्स डजेंट सीम्स लाइक एनफ, मच पैरेलल कंप्यूटेशन। सो दिस इज ह्यूमन ब्रेन, दिस इज द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। सो सिनाप्सिस द वेट्स, दीज आर द सिनाप्सिस कि कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं इन्फॉर्मेशन दैट इज इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स डिनोटेड बाय द वेट्स। एंड डेंड्रीज आर इक्वल टू द नोड्स। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स? मैनी न्यूरॉन्स लाइक थ्रेशोल्ड स्विचिंग यूनिट्स, मैनी वेटेड इंटरकनेक्शंस, हाईली पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस।
So this is a small history of artificial neural networks. In late 1800, neural networks appear as analogy to biological system. In 1960s, simple neural networks appear. In 1986, backpropagation algorithm appear. So these are some real life application of artificial neural networks. ANN have been widely used in pattern recognition, function approximation, and associative memory. So what are the properties of ANN? Inputs are highly flexible. They can have any real value. The target function may be discrete valued, real valued, or vector of discrete or real valued. Resistant to error in the training data, long training time, fast evaluation, the function produced can be built for humans to interpret. So when to use the artificial neural networks? When the input is highly dimensional, or the output is discrete or real valued, or output is a vector of values. If there is a noisy data, then also we can use artificial neural networks, and if the target is unknown. So some real life example of artificial neural networks: speech, phoneme recognition, image classification, financial prediction. So what is a neuron in actual is? A biological neuron is equal to a perceptron in ANN. Here we can see the input vector is capital X, which is having value X0, X1 up to Xn. And after that there are some weights, capital W vector, which is having W0, W1 up to Wn. Then this is the weighted sum sigma, all of the sum of all the weights. Then this is T is the timestamp, or you can say bias input. Then this is the activation function, and it is the output. Activation function can be a sigmoid function given by sign sigma I is running from 1 to 0, 0 to n, wi xi minus t. The n dimensional input vector x is mapped into variable y. N dimensional input vector is mapped into output y by means of scalar product and a non-linear function. By means of a scalar product and a non-linear function mapping. So a perceptron is equal to a basic unit in neural networks, in artificial neural networks. It is a linear separator. It has n inputs, w n weights, a bias input x naught, weighted sum y. Weighted sum is equal to y is equal to w naught x naught plus w1 xn up to wn xn, and a activation function, that is when if y is greater than t, minus 1 is y is less than equal to t. So this is the graph of artificial neural networks at input side of single stage. Model is an assembly of interconnected nodes and weighted links. A artificial neural network model is shown. Here it is written that model is an assembly of interconnected nodes. These are the nodes which are connected to each other. These are called input nodes, and this is a black box. Output nodes sums up each of its input value according to the weights of its link. The output node, what it does, y is equal to sigma wi into xi. These are the wi, these are xi. In dono in ka product, fir in sabhi ka sum. Wo kya hai hamari output minus t. Compare the output node against some threshold t. So what are the type of connectivity? There are two types of connectivity in artificial neural network. Number one is feed forward network, and number two is recurrent network. Feed forward network compute a series of transformation. Like this is the starting input unit, then this is the second stage hidden unit, and this is the final stage output unit. What are the second form of artificial neural network is recurrent networks. These recurrent network, the output goes back to the input. These I have directed cycle in their connection graph. They can have complicated dynamics and more biologically realistic. So there are different network topologies. Single layer feed forward network means this is input layer and this is output layer. This is called single layer ANN. Then multi-layer ANN, it has one input layer, one hidden layer, and one output layer. There are two layer or one hidden layer network. Then multi-layer feed forward network, there can have more than one input layer. There can be two input layer also. Here you can see this is layer 1 is the input layer and layer 4 is the output layer, and layer 2 and 3 are called as input layer, right?
Then recurrent network with feedback, where some of the inputs are connected to the sum of the output. Here you can see some of the outputs are connected at the back, that is input. So this is known as recurrent network. So what are the algorithms for learning artificial neural networks? All algorithms learn their error function. All algorithms are learned their error function, and basically there are two algorithms. Number one, gradient descent rule or delta rule. Number two, back propagation algorithm. So what these algorithms do in actual? These algorithms adjust the weights by calculating the error. So initialize the weights with any random value, then adjust the weights by calculating the error, and where the error is equal to e I is running from 0 to n y I minus f w I comma x I whole square. So our objective is to find the weight, new weights w I, so that minimize the above error function using such algorithms. So this is the delta rule, a rule known by many names. It is also called Adeline rule or classical conditioning. Here what we do, we determine the error delta I. Delta I is equal to y I minus w t into x I, w transpose. So and after that, after learning the error shift, then we adjust the weights. Weight w j is equal to w j new is equal to w j old plus eta del I into x I. So these are the multi-layer networks. The class of function representable by perceptron is limited. This is the mathematical equation. So here, and there are two inputs and there are three hidden nodes. There are two input nodes, three input hidden nodes, and one output node. So multi-layer network linear units are inappropriate, introduce non-linearity, and it uses sigmoid function. What is sigmoid function? It is denoted by gh is equal to 1 upon 1 plus e raised to power minus h. So this is the sigmoid function. It is more similar to the step function. Now we choose the weight to minimize this error. So sigmoid function again explained in detail here. Here x1, x2 up to xn input nodes are there. They are connected with the weights to the sum input. Then it is connected to a sigmoid function and we get the output. So sigmoid function sigma net is equal to 1 upon 1 plus e raised to power minus n into e into t, where sigma x is the sigmoid function or activation function, 1 upon 1 plus e raised to power minus x. It has a property that it is differentiable. D by dx of sigma x is equal to sigma x into 1 minus del x. We can use gradient descent rule to train one sigmoid unit. Multi-layer network sigmoid unit is used for back propagation. So what is back propagation? In back propagation, the output is calculated as output x is equal to g sigma j w j g sigma k w j k into x j. So we need to find a set of weights, that is w j comma w j k, to minimize the error, that is sigma y I minus out x ka whole square by gradient descent rule. So this is the back propagation algorithm. So what is the use of back propagation algorithm? It minimizes the mean square error between the network prediction and actual target. So modifications are made in backward direction from the output node to the input node. Therefore, it is known as back propagation algorithm. What are the steps of it? Number one, initialize the weights, then propagate the input forward, then back propagate the error and terminate the condition. So this is the algorithm of back propagation. Here in this back propagation algorithm, some inputs and local variable are defined and some loops are being run. Finally, what we do, adjust the weight for each weight w I j in the network. Do what? W I comma j, w I comma j new is equal to w I comma j old plus alpha into a I into del j. So this is the main crux of the back propagation algorithm, that the weights are adjusted according to the old value of the weights plus discount rate or learning rate multiplied by the delta values and some constraints. So multi-layer neural networks working is very simple, just like two-layer neural networks. This is defining network topology and neural network as classifier. So this is the general structure of ANN.
दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ANN. थैंक यू वेरी मच.